नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और हमारे इस खास कार्यक्रम ई अधिवेशन में हम आज प्रदेश के तमाम दिग्गजों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा क्या है, इस कोरोना काल में किस तरह से क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं। इन तमाम अहम मसलों पर हम बात कर रहे हैं और हमारे इस सत्र में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल साहब मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। जी धन्यवाद, इंडिया न्यूज को और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। जी बिंदल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, किस तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो इस कोरोना काल में किस तरह से काम हो रहा है, और खास तौर पर क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे काम करने का तरीका भी, तो प्रदेश में जो राहत का काम है और साथ ही साथ जो टेस्टिंग की भी बात हो रही है, वो किस तरह से काम चल रहा है? जहां तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ने का सवाल है, हम ये कह सकते हैं कि डे फर्स्ट में जब जनता कर्फ्यू लगा था जी, और उस दिन के दो दिन बाद जब हिमाचल में रेगुलर कर्फ्यू लगा, उस दिन से हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थाएं बाई एंड लार्ज ठीक रही और उसका परिणाम भी हम सब लोगों के सामने में आया। परिणाम ये रहा कि जब तक हमने बाहर के हिमाचल वासियों को लेने का क्रम शुरू नहीं किया, तब तक कोरोना शून्य तक पहुंचने वाला था, आखिरी 1 पॉइंट जी। और जो हिमाचल के लोग देश भर में अलग अलग स्थानों पर स्ट्रैंडेड रहे, उनके आने के कारण नंबर बढ़ा, परंतु वो नंबर भी ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्वारंटाइन्ड रहे, तो ये कहा जा सकता है कि इस कोरोना के काल में जी, और अनेक प्रकार की कठिनाइयां होने के बावजूद ये कहा जा सकता है कि भोजन की, राशन की व्यवस्थाओं की, चिकित्सा की, अस्पतालों की वो कमी नहीं रही, उसकी व्यवस्था सुचारू रही। और मैन टू मैन मार्किंग, हर घर की स्क्रीनिंग, ये सारे काम अच्छे से हुए जी। यानी बिंदल साहब, आपका कहना है कि प्रदेश में स्थितियां नियंत्रण में है और सही तरीके से राहत का काम भी चल रहा है और दूसरे काम भी चल रहे हैं। कुलदीप राठौर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। राठौर साहब, क्या कहना आपका, बिंदल साहब की बात से आप सहमत हैं, प्रदेश में स्थितियां, जिसे कहा जाए व्यवस्थाएं, एकदम दुरुस्त चल रही है जो होनी चाहिए? का पूरा साथ दिया और हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश की जनता का कि हिमाचल की जनता अनुशासित है, सब लोगों ने जो है सरकार के निर्देशों को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो निर्देश, उसका पालन। लेकिन जो बिंदल साहब बोल रहे हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं जी। कांग्रेस पार्टी ने मांग की जो बाहर प्रदेशों से बाहर के लोग हैं जो हिमाचल में आना चाहते हैं उनको आने की इजाजत चाहिए, लेकिन सारा जो फैसला है वो अफरा तफरी में लिया, जल्दबाजी में लिया। उस कारण हजारों की संख्या में हमारे बॉर्डर पे लोग इकट्ठे हो गए। चाहिए तो ये था कि उनको एक प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल चेकअप होने के बाद उनको प्रदेश में लाया जाता जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अफरा तफरी में जो फैसला लिया, होम क्वारंटीन किया गया, उस वजह से हिमाचल प्रदेश में जो पहले मामले शून्य हो रहे थे वो एकाएक जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक प्रदेश में राशन वितरण की बात है, अभी भी प्रदेश में जो मजदूर हैं, बाहर के लोग हैं, उन तक जो है प्रशासन नहीं पहुँच पाया है। कांग्रेस पार्टी के जो वॉलंटियर हैं, हमने जाके जो है मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की हमने मदद की है, और वो लोग जो प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनको भी हमने जो है उनके प्रदेशों में जो है साधन जुटा के भेजने का प्रयत्न किया है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं, जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रहे। जी बिंदल साहब, क्या कहना आपका? राठौर साहब कह रहे हैं कि जो बाहर से आप लोग लेकर आए उनका एक जो सेट प्रोटोकॉल है उसके तहत चेकअप नहीं हुआ, नतीजतन मामले बढ़ते गए और फिर उन्हें कई सवाल उठाए, क्या कहना आपका जवाब? सबसे पहले तो राठौर साहब को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। जी मेरा भी नमस्कार। नमस्कार इसलिए कह रहा हूँ कि राठौर साहब ने एक पहले दिन से और बोलना शुरू किया, बाहर के लोगों को अंदर लाओ, हमारे स्टूडेंट्स बाहर फंसे हैं, मजदूर बाहर फंसे हैं, उनको जल्दी लाइए जल्दी लाइए। और सरकार ने पूरी योजना बनाई, योजना बना करके उनको लाने का क्रम शुरू किया, तो इन्होंने कहना शुरू किया कि जल्दबाजी हो रही है, मत लाइए। सब ऐसा है कि एक एक जगह और पूरा टाइप करके बाकायदा परमिशंस दे करके, ऑनलाइन परमिशन दे करके लोग आए हैं, और आप इतने 1,10,000 से अधिक लोग हिमाचल प्रदेश में एंटर किए हैं, और उसके बाद अगर जे 40 पॉजिटिव केसेस ट्रेस किए हैं उन्हीं लोगों में से जी, तो ये मान करके चल रहे हैं कि उसमें से पॉजिटिव नहीं आएंगे। और अब ये बार बार दो तरह की बात बोलते हैं, बोले दिल्ली वालों को भी लाइए, रेड जोन वालों को भी लाइए, फिर बोलते हैं कि जी ला क्यों रहे हैं। सब दूसरी बात, मुझे इस बात को बड़ी गंभीरता से कहना है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राशन नहीं पहुंचा, और कांग्रेस के अध्यक्ष जी कहते हैं हमने राशन पहुंचाया। साहब मुझे बताएं कितने लोगों को भोजन कराया, कितनों को राशन किट दी, कितनों के पास गए। एक व्यक्ति को भोजन दिया, उसको फेसबुक पर डाला, उसको फोटो सहित डाला, एक सिंगल आदमी को। भारतीय जनता पार्टी ने हर पोलिंग बूथ पर संपर्क बना करके 100% इंश्योर किया कि हर व्यक्ति तक राशन और भोजन पहुंचे जी। और मैं आज बता रहा हूं कि 4,79,920 लोगों को कल रात तक बीजेपी ने भोजन के पैकेट दिए, और 1,11,200 लोगों को राशन की कल तक भाजपा की तरफ से गई हैं। अब ये आज ये बता रहे हैं कि हमने चिंता की, तो ये तो बड़ी भारी बात है। हमने कई बार इनसे पूछा, आप हर रोज का आंकड़ा रिलीज कीजिए, हम हर रोज का आंकड़ा रिलीज करते हैं, कितने ऐड किए, कितने और आ गए, परंतु ये को ऐड भी नहीं करते हैं, दिखाते भी नहीं और बताते भी नहीं है जी। तो राठौर साहब का जवाब लेते हैं बिंदल साहब। राठौर साहब, बिंदल साहब को ने बड़े तफसील से आंकड़ों के साथ इन्होंने बात रखी और बात की शुरुआत आपको नमस्ते करके भी की है। जी बिंदल साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी इनको नमस्कार। अभी मैंने बिंदल साहब का बयान सुना जो इन्होंने बड़ी तफसील से कहा। देखिए जहां तक प्रदेश से जो बाहर लोग हमारे थे उनको प्रदेश में लाने की बात थी, हमने ये भी कहा कि उनको सेट प्रोटोकॉल के तहत लाया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने जो है जल्दबाजी की। हमारा जो ऊना का बॉर्डर है वहाँ यकायक इतने लोग इकट्ठे हो गए कि कंट्रोल नहीं रहा। हिमाचल भवन में इन्होंने कहा कि हिमाचल बसें जा रही हैं, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, और वहाँ सरकार को बल प्रयोग करना पड़ा, प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए हम हिमाचल प्रदेश से जो बाहर लोग हैं हम हिमायती हैं कि उनको लाया जाना चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि प्रशासन को जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, होम क्वारंटाइन के बजाय जो है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की जरूरत थी, जो सरकार ने नहीं किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो भी क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ हालात बहुत खराब है। अभी हमारी जो सूचना मिली है, हमारे लोग वहाँ गए हैं, हमने देखा है कि स्कूलों में कॉलेजों में जो लोग रखे गए हैं वहाँ ना तो टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था है, ना खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था है, और लोग जो क्वारंटीन सेंटर में वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। अब रही राशन की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि उन्होंने जो है राशन किटें लोगों तक पहुँचाई हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
जी। अब सरकार ने कितना प्रयत्न किया इस बारे में मैं नहीं कहना चाहता। मेरी खुद प्रशासन से कई जगह पे बात हुई, मैंने जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे बात की कि फलां जगह पे जो है मजदूरों तक खाना नहीं पहुंचा या जो गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है उन तक खाना नहीं पहुंचा, तो प्रशासन से पहले हमारे लोग वहां पहुंचे, हमने उनको राशन दिया। हमने इसका प्रचार नहीं किया, मैंने अपने पार्टी के सभी लोगों को हिदायत दी कि जो भी राशन देंगे आप या जो भी भोजन की व्यवस्था करेंगे आप अपना फोटो नहीं डालेंगे। शुरू में हो सकता है किसी ने फोटो डाला हो, लेकिन तत्काल प्रभाव से हमने डायरेक्शन दिए, निर्देश दिए। लेकिन लेकिन राठौर साहब, बिंदल साहब बड़े ध्यान से आपका फेसबुक देखते हैं, उन्होंने कहा कि आपने फोटो डाली थी। नहीं नहीं, हमने 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 नहीं डाली, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डाली है, लेकिन हमने जो भोजन की किटें दी या जो सामग्री दी हमने उसमें किसी की फोटो नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अपने प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और कई जगह पे तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने अपनी फोटो लगाई, अपने पुत्र और पुत्रियों की फोटो लगा के जो है जो प्रशासन किटें जो है बांटी हैं। तो ये हमारी आपत्ति है, आप हम पे तो लाछन लगाते हो लेकिन थोड़ा सा आप अपनी तरफ भी देखें, अपने दामन में भी झांक के देखें कि आपके लोगों ने जाके किस तरह से लोगों की मदद कम की है। राठौर साहब ये भी बता दीजिए कि ये चलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहाँ तक तो बात सामने आती है, ये नेता खुद की बात भी है, ये बेटे बेटियों तक की फोटो की बात आप कह रहे हैं, ये आखिर कौन से ऐसे नेता है? मैं बताना चाहता हूँ, जो इनके आला मंत्री हैं महेंद्र सिंह, जो सैनिटाइजर वहां बांटेंगे उसमें जो है उनकी बेटी की फोटो लगी थी, उनकी अपनी फोटो लगी थी। चलो वो मंत्री हैं अपनी फोटो लगा रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने अपनी पुत्री की फोटो लगाई, उनकी पुत्री तो मंत्री नहीं है ना तो प्रशासन में, तो इस तरह की बहुत जगह पे इस तरह की जो है बात हुई है। और ये आरोप मैं लगा नहीं रहा हूँ, ये बिंदल साहब भी इस बात को जानते हैं, उनको भी इस बात की राठौर साहब बिंदल साहब आपने बड़ी बात कही और इधर राठौर साहब ने भी सिलसिले बार चार पांच चीजें गिनवाई है, क्या कहना आपका? रोहित जी, पहली बात इन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लेकर के आए, इन्होंने बार बार कहा जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी, गवर्नर साहब को चिट्ठी दी, जब लेकर के आए तो ये बोले जल्दी लाओ। अब ट्रेनों में लोगों को लेकर के आए, ट्रेन में लोग बैठ करके आए, पूरे प्रोटोकॉल से पीपी किटें लगा करके एक एक को उतार करके और बसों में बैठा करके क्वारंटाइन सेंटर्स तक पहुंचाया गया, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया गया। अब वहां पर 100% प्रिकॉशंस रख करके लोगों को चिंता की गई। अब बात भी अगर जे कमी नजर आती है तो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है। नंबर एक जी, इन्होंने कहा चंडीगढ़ से पंजाब से मैक्सिमम लोगों को लेकर के आया गया, उनके लिए पूरी संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। हम एक और बात कहना चाहते हैं कि हिमाचल में इतना आंकड़ा कंट्रोल में रहा, अगर वो कंट्रोल में रहा तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूहत तो होंगी, अन्यथा हिमाचल में भी बहुत जल्दी ये आंकड़ा बढ़ सकता था, अगर दिल्ली में बढ़ सकता है, राजस्थान में बढ़ सकता है, पंजाब में बढ़ सकता है, तो हिमाचल में भी बढ़ सकता था ये आंकड़ा। और ये सफलता का एक मानदंड तो माना ही जाना चाहिए और उसके अंदर कोई कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने तो एक सीधी सी बात इनसे पूछी थी, मैंने राशन किटों की बात, फोटो लगाने की, इन्होंने अगर 10 20 50 100 500 किटें बांट दी होंगी तो फोटो भी क्या लगाते। हमने 1,11,000 जो किटें बांटी हैं उसके किसी की फोटो नहीं लगाई है, परंतु यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति और अपने लेवल पर कोई बांटता है, कोई अपनी फोटो लगाता है, अपने दादे की लगाता है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मान लिया वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर बांटता है, बीजेपी लिखता है और उस पे फोटो लगाता है, तो उसका जवाबदेही हमारी है जी। इसलिए और एक बात, इन्होंने कहा कि प्रशासन को अपने आगाह किया और वहां भोजन पहुंचाया,
बहुत अच्छी बात, पहुंचाना चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश के एक जुम्मेवार नागरिक हैं और भारत की एक जुम्मेवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये कोई काम राशन का, मैं बताना चाहूंगा रोहित जी, जी। कि सामाजिक संस्थाओं ने बड़ा भारी काम किया। सामाजिक संस्थाएं की राजनीतिक संस्था के रूप में भाजपा ने जो काम किया, हम ये कह सकते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हमको कहा आपको घर में रह करके पार्टी चलानी है, बूथ तक आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस से संपर्क करनी है, हर बूथ की रिपोर्ट आपको शाम को लेनी है। मैं हेलो जी जी बिंदल साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जी जी बिंदल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, लगता है बिंदल साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उन्होंने बड़े विस्तार से राठौर साहब अपनी बात रखी, अब आप जवाब देने की बारी आपकी है राठौर साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शुरू में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो राहत का कार्य शुरू किया, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी राहत होगी वो सरकार अपने हाथ में लेगी, और हमारे लोगों को रोका गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे दावा करते हैं कि उन्होंने जाकर राहत किटें जो है बांटी हैं। अगर बांटी हैं तो जैसा बिंदल साहब ने कहा कि जो स्वयंसेवी संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद की है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पर अपना ठप्पा लगा के जो है लोगों में वो राहत जो है बांटनी शुरू की। देखिए, मैं इस पर ज्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहता, सवाल लोगों को राहत पहुंचाने का। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है तो उनका दायित्व तो बनता है, वो सरकार में सत्ता में लोग उनसे अपेक्षा करते हैं। हम विपक्षी दल होने के नाते हमारा जो दायित्व तो बनता है समाज के प्रति, हम भी कर रहे हैं। लेकिन राठौर साहब, एक बात जो बिंदल साहब ने बार बार कही, उनका कहना था कि साहब आपने पहले कहा कि लोगों को बाहर से लेकर आओ, और जब हम लेकर आए तब आपने फिर सवाल उठाना शुरू कर दिए, तो उनका उनको इस बात का रश्क है कि आखिरकार ऐसा क्यों? जी 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 रोहित जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी देखिए, सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, बिंदल साहब का, कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात मानी और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारी जो मांग थी उन्होंने मानी और बाहर से लोगों को लाया गया। लेकिन हमने ये कहा था कि आप एक योजना बनाइए कि कितने लोग जो है बॉर्डर से हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं, और अगर वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं तो उनको आप प्रोटोकॉल के तहत लाइए, उनकी क्या व्यवस्था है, उनको आप जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करें, जबकि इन्होंने जो है होम क्वारंटीन किया क्योंकि व्यवस्था थी नहीं। और बाद में जब केसेस बढ़े तो यकायकी इन्होंने फैसला लिया कि अब हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग आएंगे उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करेंगे। और देखिए, चाहिए तो ये था कि हमारे जो सीमा के साथ जितने भी हमारे गेस्ट हाउस हैं, हमारे होटल्स हैं, उनको उनको ये लेते और वहाँ उनको रखते, लेकिन इन्होंने स्कूल और कॉलेजों में लोग रखने शुरू किए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रोहित जी, जी। कितने टॉयलेट्स होते हैं कॉलेज में, कितने टॉयलेट्स होते हैं, और वहाँ व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, खाने पीने की बड़ी समस्या आ रही है, और जो भी क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं वो परेशान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिमाचल प्रदेश में स्थिति ये है, पूरे देश की तरह हम देख रहे हैं कि मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं और कितने दर्दनाक हादसे हादसे मजदूरों के साथ हो रहे हैं, आज पूरा देश जो है शर्मसार हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे महिलाएं गर्भ बच्चों के साथ जो है अपने घर जाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, हर जगह पे असफल सिद्ध हुई। जिस ढंग से इन्होंने एकदम फैसला लिया, क्योंकि मोदी साहब जो है एकदम फैसला लेने के उन्होंने जो एकदम फैसला लिया, मुझे लगता है कि कोई आधार नहीं था कोई, क्योंकि 23 तारीख को तक इनको मध्य प्रदेश की चिंता थी, इनको अपनी सरकार बनानी थी, जब 23 सरकार तारीख को सरकार बनी, 24 को इन्होंने फैसला लिया। अगर इन्होंने समय दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, लोग पहले ही अपने घर जाते।
तो बिंदल साहब से जवाब देते, बिंदल साहब क्या कहना है राठौर साहब ने जो तमाम, रोहित जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, आप कर लीजिए फिर एक साथ जवाब लेते हैं जी, बोलिए बोलिए राठौर साहब। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस देश में कोरोना बीमारी ने दस्तक दी जी, जब इस देश में कोरोना बीमारी ने दस्तक दी, सबसे पहले जो है राहुल गांधी जी ने कहा 13 फरवरी को कि एक बहुत बड़ी सुनामी इस देश में आने वाली है। उस वक्त राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया गया, कहा गया ये तो ऐसे लोगों को डरा रहे हैं, उस वक्त कोई भी एहतियाती जो है ठीक है। अब राठौर साहब जवाब लेते हैं आपकी बात का, बिंदल जी से, बिंदल साहब बताइए। समस्या कुछ और है साहब, इन तीनों ने जो भी सुझाव दिए वो बहुत अच्छा किया, इन्होंने सुझाव दिए तो इनको लगता है ये कट गया काका। हेलो जी जी बिंदल साहब हम आपको सुन रहे हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ ये इनको ये लगता है कि शायद इन्होंने कोई सुझाव दे दिए तो ना बाकियों के वो दिमाग में था, ना बाकियों ने कभी सोचा, ना बाकियों ने कभी सरकार चलाई और ना बाकियों को अनुभव था। सरकार ने बाइज्जत इनकी चिट्ठी को स्वीकार किया, परंतु योजना सरकार ने अपने तरीके से बनाई, बहुत बेहतर तरीके से लोगों को लाने का एक काम किया। मैं उससे थोड़ा आगे निकलता हूं और आदरणीय मोदी जी की बात इन्होंने कही जी। हमें एक बात का बड़ा कष्ट है, सारी दुनिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए वो काबिले तारीफ हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा इंडिया ने टाइमली लॉकडाउन किया इसलिए इंडिया बहुत हद तक कामयाब है, और दुनिया के देशों ने भारत को फॉलो किया और ये कहते हैं साहब तब लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, पहले कुछ और करते बाद में लॉकडाउन करते तो महाराज ये इटली बन जाता, इंग्लैंड बन जाता और अमेरिका बन जाता, और वहां पर तो बड़े भारी प्रबंध हैं, भारत में तो उस प्रकार के प्रबंध भी नहीं थे जो सब कुछ होता। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक भी मजदूर को और हिमाचल से बाहर पैदल नहीं जाने दिया, एक एक मजदूर की व्यवस्था की, उसके भोजन की व्यवस्था की, उसके कुशल क्षेम की व्यवस्था की और दोबारा से रोजगार को शुरू किया, वो शहरी मनरेगा भी शुरू किया, ग्रामीण मनरेगा भी शुरू किया, जो और मजदूर हैं उनके खाते में 2,000 रुपए डाले माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने, और गरीब योजना के अंतर्गत और किसानों के खाते में डाले, मजदूरों के खाते में डाले, जनधन के खाते में डाले, सस्ता राशन, मुफ्त का राशन सारा उपलब्ध कराया। यानी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक व्यक्ति के कहने से सब कुछ हो जाता। हमारा ये विश्वास है कि हिमाचल ने, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें, हर सरकार बेहतरीन प्रयास कर रही है, परंतु ये अपनी कांग्रेस रूल्ड राजस्थान की तरफ क्यों नहीं देखते, ये कांग्रेस रूल्ड पंजाब की तरफ क्यों नहीं देखते, वहां पर कर्फ्यू लगा और लोगों ने पुलिस वाले की बाजू काट दी, बाजू काट करके ले गए, ये इस प्रकार का नियंत्रण। और हिमाचल के अंदर हर प्रकार से कानून व्यवस्था, जनता ने भी कोऑपरेट किया, उनका भी बहुत आभार है, सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग किया, कांग्रेस का भी आभार है, वो लोग सुझाव देते रहे जी। और धन्यवाद उनका जी। क्योंकि उनका काम है, उनको और कोई कमी है निकालना, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने निकाली। अब पूरे देश के अंदर मजदूरों ने आवागमन शुरू किया, एक एक राज्य को ये कहा गया है आपको 100 गाड़ी प्रतिदिन चाहिए, आप 100 गाड़ी लीजिए, परंतु उनको उकसा कौन रहा है जी। उनको और घर से निकल करके और रेला बनाने के लिए कौन कह रहा है, इस बात की भी और आज आवश्यकता है जी। बिंदल साहब तो ये भी एक बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। हम एक और बात भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, अगर जो वहां मजदूरों का रेला चला तो भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि आपने वो रेला चलाया है।
ठीक है बिंदल साहब, अब फाइनल कमेंट ले लेते हैं राठौर साहब से आपके इन तमाम सवालों का। राठौर साहब बड़े संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। देखिए मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारा चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमको कोरोना जो बीमारी है इसे लड़ना है। हमको वाद विवाद में ना उलझ के हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम मिलजुल के इस बीमारी से लड़े। विपक्ष के नाते हमारा ये दायित्व है, हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है कि जहाँ भी हमको कमी नजर आएगी वो हम सरकार के समक्ष लाएंगे और सरकार को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे जो सुझाव हैं उनको जो है सरकार की निंदा नहीं समझा जाना चाहिए। अगर विपक्ष और पक्ष हम मिलके काम करते हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्थिति शायद दूसरे प्रदेशों की तरह नहीं है। जी पक्ष हो विपक्ष हो, हमारे आपस में बड़े मधुर संबंध जो है रहते हैं। तो बिल्कुल मधुर संबंध रहते हैं और इसीलिए नमस्कार से शुरुआत हुई थी चर्चा के सत्र की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह राठौर साहब, राजीव बिंदल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस ई अधिवेशन में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर राजीव बिंदल